दोस्तों ये है वन मंथ यूसेज रिव्यू ऑफ नथिंग फोन 2। जी हाँ, एक महीने से हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है और ये जो वीडियो है ना थोड़ा अलग होने वाला है। एक्चुअल में बहुत सारे टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं और अगर आपके पास 45,000 रुपए है तो आपने नथिंग फोन 2 के पास देखना चाहिए या फिर दूसरे ऑप्शन है OnePlus 11R है या फिर S21 FE 888, वो भी अराउंड इस प्राइस रेंज में, वो आपने लेना चाहिए। Vivo V27 Pro, वो भी है इस प्राइस रेंज में। कौन सा फोन आपने 45,000 में लेना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ, बट जैसे मैंने बताया ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू एंड रिव्यूअर जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं इरशाद, क्योंकि इरशाद ने पिछले एक महीने से इसे कंटिन्यूअसली एज अ प्राइमरी ड्राइवर इस्तेमाल किया है। वेलकम इरशाद, आ जाओ। हाय 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 हाय। ऑलराइट, तो ये कैसे लगा? गिव मी वन लाइनर, हाउ इज दिस फोन? वन लाइनर ओनली। बहुत अच्छा फोन है, बहुत बढ़िया फोन है, परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है, एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स गेट इनटू डिटेल। सबसे पहले मुझे एक नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में बोलो, हम कभी बात नहीं करते उसके बारे में। टेल मी, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसे रहा इसका? तो हम गए थे शूट करने के लिए और मेरा प्राइमरी सिम एयरटेल का है एंड 5G परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक, VoNR भी मिला मुझे। वाओ, एंड स्पीड्स क्या मिल रहे थे? अराउंड 400-500 तो मिल ही रहे थे। यस यस यस। वाओ, वैसे हमने मल्टीपल जगह स्पीड टेस्ट किए हुए हैं टू टेस्ट द परफॉर्मेंस, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। सो नेटवर्क इज ग्रेट। इन हैंड फील वगैरह कैसे लगा? आई मीन, व्हाट डू यू फील? बड़ा नहीं लगता है हाथ में? क्योंकि मेरे अनबॉक्सिंग में मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा लगता है। करेक्ट, इट्स बहुत बड़ा फोन है, डेफिनेटली हैवी भी है, बट थोड़ा कर्व दिया है तो फिर इट्स गुड। और मैं ना फोन बिल्कुल, मैं व्हाइट वाला यूज कर रहा हूं, राइट? तो मैंने फोन बिल्कुल केस के बिना, स्क्रीन प्रोटेक्टर के बिना यूज किया। गिरा कभी? कभी गिरा नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस था पकड़ने में, वो अच्छा लगा मुझे। सो इट डज नॉट स्लिप, सो ड्यूरेबिलिटी वाइज इट इज गुड। अकॉर्डिंग का भी गोरिल्ला ग्लास 5 है पीछे और आगे दोनों ही तरफ, एंड देन यू गेट गुड प्रोटेक्शन, स्क्रैचेस भी नहीं दिखे मुझे। Okay, nice. Display, flat display है, AMOLED display है, वो सब तो है ही, but actual usage में display कैसे लगा? अच्छा display, well-tuned display है, no problem at all. Brightness कितना है? Brightness about 1000 nits है, okay. और अगर आप बाहर लेके जाते हो तो फिर sunlight legibility ठीक ठाक है, not the best, I wouldn't say best है, but अच्छा है, not bad. For a 45,000 rupee phone? ठीक है, not ठीक है, okay, all right. Multimedia colors वगैरह कैसे? Colors are very good, HDR performance बहुत अच्छा है, but एक problem है, Netflix में HDR नहीं है, अभी तक नहीं और आने भी नहीं वाला, आने update से भी नहीं आने वाला, नहीं it's not coming. Okay. No HDR in Netflix. हाँ, YouTube पे दिखता है लेकिन not in Netflix. तो मैं कहूँगा ठीक ठाक डिस्प्ले है, okay? Yes, yes. Okay. वैसे इसका flat display है, लेकिन इस price range में curved display भी आते हैं. You prefer flat display or curved display? मैं? क्योंकि ये subjective है. ये मैंने English video में हमेशा बोला है कि मेरे को flat displays पसंद है. Okay. मेरे को curved displays उतना I don't, ghost touches होते हैं, फिर वो गिरेगा तो especially अगर gaming वगैरह तुम करते हो तो flat display will be preferred. लेकिन दिखने को definitely premium curved display दिखता है, right? For sure, for sure. Let's talk about performance. इसका परफॉर्मेंस कैसा है 8+ Gen 1? जी हाँ, बोलिए। बेस्ट ट्यून्ड 8+ Gen 1 फोन, मैं ये कहूंगा बेस्ट ट्यून्ड, मतलब बेस्ट ट्यून्ड कहोगे। इसमें OnePlus 11R भी शायद आता है 8+ Gen 1 पे, उससे ज्यादा अच्छा ट्यून्ड है। यस यस यस। ऑलराइट, सो स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह कितना मिलता है? मेरे को कंसिस्टेंटली 7 आवर्स मिला। 7 आवर्स, एंड योर यूसेज, तुम्हारा जो यूसेज है डेफिनेटली बहुत हैवी यूसेज है। सो बैटरी एफिशिएंसी के मामले में वेरी वेरी गुड, परफॉर्मेंस के मामले में, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा था? वेरी गुड, गर्म भी नहीं होता है फोन। हाँ, थर्मल्स आर आल्सो वेरी गुड। और एक और चीज है ना, लोगों को ये डाउट था कि यार ये ग्लिफ लाइटिंग यूज किया तो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, सो इट डज नॉट एट ऑल। वैसे हाँ, और एक चीज, ग्लिफ लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे बताओ, अभी इस टाइम अपग्रेडेड ग्लिफ लाइटिंग आ गया है वेयर यू कैन कस्टमाइज, तो वो किया? सो मैंने ग्लिफ लाइटिंग के दो फीचर्स मेनली यूज किए, एक पुराना फीचर यूज किया जो फ्लिप टू ग्लिफ था, जो ये से रखे वो फ्लिप टू ग्लिफ हो जाता था, वो वाला फीचर बेसिकली, इट विल गो टू म्यूट, वो यूज किया, और एसेंशियल नोटिफिकेशन यूज किया। ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरी बीवी का मैसेज आएगा तो फिर मैं कभी मिस नहीं करूँ, तो एसेंशियल नोटिफिकेशन मैंने ऑन करके, जो एसेंशियल नोटिफिकेशन सभी नोटिफिकेशन के लिए नहीं, लेकिन अगर आपने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए मुझे ग्लिफ लाइट दिखाओ, तो वो इधर रहेगा। आपको ऐसा भी फोन रहेगा तो आपको दिखेगा कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, सो दैट वाज वेरी गुड। बट वो कस्टमाइजेशन नहीं इस्तेमाल किया, तो ग्लिफ कंपोजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, आई फॉरगॉट अबाउट इट आफ्टर द फर्स्ट 2 डेज, सो इट्स जस्ट अ गिमिकी काइंड ऑफ अ थिंग, सॉर्ट ऑफ। एंड और उसके बाद वो एक और फीचर था ना जिसमें वो प्रोग्रेस दिखाता है, अगर ऑर्डर ऊबर है या फिर जोमेटो का इंटीग्रेशन अब तक आया ही नहीं है, उन्होंने बताया लेकिन आया नहीं है, और उबर तो इस्तेमाल करते नहीं हम लोग, गाड़ी ले ली है तूने तो जरूरत नहीं है, बट मैं गुर्गा में यूज करता था, बट अभी नहीं, बट आई डोंट, दैट आल्सो डिड नॉट वर्क प्रॉपर, कभी कभी वो ठीक तरह से नहीं चल रहा था जब हमने टेस्ट किया हुआ था, बट मैंने देखा कि काफी यूजर्स ने वो ट्राई किया है और यूज किया इंटरनेशनली, आई थिंक दे आर यूजिंग उबर, उनको अच्छा लगा। अच्छा लगा, ऑलराइट, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी है, बैटरी चार्जिंग स्पीड कैसे है? 45 वाट का चार्जिंग स्पीड है। कितना टाइम लगता है? 1 आवर आई थिंक फॉर अ फुल चार्ज, अबाउट 1 आवर, बट मेरे को बैटरी चार्जिंग स्पीड्स ऑब्वियसली 60
65 वॉट या फिर उससे ज्यादा होता तो OnePlus 11 आ रहा है OnePlus 11 और इसी प्राइस रेंज में उसमें कुछ 80 वॉट 80 या 100 वॉट है सो दैट विल चार्ज इन 30 मिनट्स हाफ द टाइम सो उतना याद रखिए. आपको क्या अच्छा लगता है क्या फास्ट चार्जिंग? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई डोंट एवर डू 0 to 100% मेरा 20-30% पे आ जाता है. मैं 15 मिनट चार्ज करता हूँ और निकाल लेता हूँ फोन. ऐसे आप S23 अल्ट्रा यूज कर रहे हो एंड आई मिस इट सो डियरली. अभी मैं फोल्ड पे शिफ्ट हुआ हूँ बट आई टेल यू वॉट S23 अल्ट्रा क्रेजी. वैसे यू आर ऑल्सो यूजिंग S23 अल्ट्रा परफॉर्मेंस में जब ये शिफ्ट हो गए दिस बिकेम योर प्राइमरी ड्राइवर क्या लगा तू? एक चीज मेरे को आपको बताना था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एक कालपे का एक विजन था ना कि स्पेक्स को भूल जाओ. वो मुझे फील हुआ मैं स्पेक्स को भूल गया. ऑलराइट सो ऐसे कभी भी लगा नहीं कि ये फ्लैगशिप लेवल का नहीं है. परफॉर्मेंस वॉज फ्लैगशिप प्रॉपर फ्लैगशिप. इनफैक्ट इसका जो एनिमेशन ट्यूनिंग और जो फास्ट एंड स्मूथ वाला चीज जो है ना ये फोन में नथिंग ओएस 2 के साथ बहुत अच्छे से उन्होंने ट्यून किया है. इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ OnePlus ऑफ द OnePlus ऑक्सीजन लेवल. ओह एट दैट टाइम ओके ऑलराइट सो दैट इज यस 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 एब्सोल्युटली. वैसे अगेन मल्टीपल अपडेट्स आए हुए हैं इसमें जब से मतलब पिछले एक महीने में 2 या 3 अपडेट्स तो आए होंगे. दो तीन अपडेट्स आए सो रेगुलर अपडेट्स हैं लेकिन उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. अपडेट के प्लसेस भी हैं माइनसेस भी है और उसके बारे में बात करने वाला हूं. लेकिन ओएस के बारे में इसमें थर्ड पार्टी एप्स या कुछ इश्यूज बग्स ऐसे कुछ दिखे? बग्स ना एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखे बट साजिद को एक फेस हुआ था एक वॉल्यूम का एक बग था कुछ तो इशू था जहां पे ऐप से ऐप स्विच करने पे वॉल्यूम का लेवल अलग हो रहा था बट दे फिक्स्ड इट. ओके सो नाउ देयर इज नॉलेज एंड दे फिक्स्ड इट नो प्रॉब्लम. ऑलराइट सो इनफैक्ट द बग फ्री है अभी फिलहाल से. सो यू विल से दिस ओएस इज वेरी गुड क्लीन एफिशिएंट? नहीं नॉट एवरीथिंग इज ग्रेट इट्स गुड इट्स फैंटास्टिक इट्स गुड बट एक ना मैं आपको बताता हूं ये जो इसमें जो ये क्विक सेटिंग्स विजेट्स है वो आप अभी होम स्क्रीन में लगा सकते हो लॉक स्क्रीन में लगा सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे भी दिखेगा बट ये लॉक स्क्रीन वाला जो है ना अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है ये इधर नहीं मिलता है तो कभी कभी ये स्विच ऑन हो जाता है. मेरा फोन बैटरी सेवर में चले जाता है मेरे को पता भी नहीं चला. सो छोटी छोटी चीजें हैं अभी भी. वैसे हैप्टिक फीडबैक के बारे में बात किया मुझे इसका हैप्टिक फीडबैक अच्छा लगा. आई डोंट नो व्हाट योर दे हैव इंप्रूव्ड इट ओके क्योंकि मैं जब टाइप कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले आई सेड नाइस इट फील्स गुड सो इट्स डीसेंट. मल्टीमीडिया के बारे में बात किया डिस्प्ले अच्छा है बट ऑडियो क्वालिटी कैसी है? स्पीकर में आपको डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता जैसे आपको OnePlus 11R में मिलता है ना? OnePlus 11R में डॉल्बी एटमॉस है इसमें नहीं है. खराब स्पीकर्स नहीं है. मैं तो इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते वक्त मेरे को अच्छा ही लगा. मैं ज्यादा स्पीकर्स यूज नहीं करता. सो एवरेज क्वालिटी Above average quality. Not the best out there, but above average quality. And call quality वगैरह कैसे? Microphones वगैरह कैसे? Actually ना मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसका call quality बहुत ही बढ़िया है. It latches onto network very well. और earpiece का quality भी बहुत बढ़िया है. मैं तो I genuinely enjoyed. मेरे को कोई problem नहीं. Call quality में हो या फिर 5G performance जैसे हमने बात किया उसमें भी. सब में तुम अच्छा बोल रहे हो. खराब क्या है इसके अंदर? I said ना there is a problem. There is a problem. Okay, उसके बारे में बात करेंगे. और एक चीज important है कि जो sensors वगैरह होते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी सब जो है वो चलते हैं बराबर से? स्पीड कैसा है? फिंगरप्रिंट सेंसर तो मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ. इनफैक्ट मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को मेरे बैंकिंग एप्स के साथ भी मैंने टाई अप कर दिया था. तो फिर वो चला रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. एनएफसी भी है. ऑल ऑफ दैट इज देयर. अच्छा एनएफसी वगैरह है बट एनएफसी टैप एंड पे वगैरह नहीं है S23 अल्ट्रा जैसे. सो या एनएफसी है इफ एट ऑल यू यूज इट फॉर समथिंग बट या ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट कैमरास. इस टाइम एक्स्ट्रा कैमरा नहीं दिया हुआ है. सोच रहे थे कि ट्रिपल देंगे लेकिन आपको टेलीफोटो चाहिए था. आई मिस इट. एवरीवन वांटेड इट. मैं प्राइस के बारे में भी बात करने वाला हूं कि डू यू थिंक मुझे वी डिफर इन दैट ओपिनियन. तो आपको पता चल जाएगा हम क्या सोचते हैं. बट कैमरास कैसे? ओके सो कैमरास इनिशियली ना वी वर एक्चुअली प्रीटी सैटिस्फाइड. दोनों साजिद और मैं काफी सैटिस्फाइड थे बट उन्होंने ना अपडेट दिया एक 2.0.2 वाला अपडेट जो है लेटेस्ट अपडेट है और उसके बाद ना थोड़ा कैमरा परफॉर्मेंस में आई थिंक ट्यूनिंग में थोड़ा मिस्टेक्स किया उन्होंने. क्या फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू विद द अपडेट उन्होंने क्या किया. HDR का प्रोसेसिंग टाइम कम कर दिया. तो प्रोसेसिंग टाइम जब कम किया क्वालिटी को उन लोग ने कॉम्प्रोमाइज हो गया. तो HDR क्वालिटी थोड़ा एंड कंसिस्टेंसी मतलब जो कलर्स कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं? लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन इट इंप्रेसेस. फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोज नहीं बट वो इनफैक्ट दैट इज नॉट गुड. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कि यू एक्सपेक्ट अ फोटो एंड सडनली एक फोटो है वो खराब आ जाएगा. वीडियोग्राफी कैसी है वो बोलो. वीडियोग्राफी 4K 60fps स्टेबिलाइजेशन इज वेरी गुड. इनफैक्ट स्टेबिलाइजेशन में अपडेट के बाद उन लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया. ओके स्टेबिलाइजेशन अच्छा हो गया. HDR परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड इन वीडियोग्राफी. लो लाइट इज नॉट माय सीन एट ऑल. मैं ना वो वहां पे एक शूट कर रहा था जब हम लोग होटल के अंदर एंटर कर रहे थे. इट वाज अ
ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी राइट, और वहां पे मेरे को एक लोलाइट वीडियो मर्सिडीज के अंदर बैठ के लेना था और इतना बैड क्वालिटी आया ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया वो, दिखाएंगे हम ऑफ कोर्स। ऑलराइट, आप देख रहे हो तो बैड क्वालिटी जो है वो है फुटेज राइट, तो आपको दिख रहा है। सो बेसिकली यू विल से कैमरा इज नॉट अप टू द मार्क, मतलब बाकी सब फोन के बारे में यू आर यू नो यू आर सो एक्साइटेड एंड पॉजिटिव, कैमरा के बारे में यू आर नॉट एक्साइटेड। जैसे साजिद ने कहा कि पूरा फोन जो है वो 2.0 चला गया है लेकिन कैमरा जो है वो अभी भी बीटा में ही है। सो आई थिंक देयर इज वर्क लेफ्ट, यस इट इज वर्क इन प्रोग्रेस कैमरा। सो कैमरा के लिए अगर देखना है, चलिए वो बात करते हैं, अगर 45,000 है विल यू रिकमेंड नथिंग फोन टू, अगर आपको कोई आपका दोस्त फोन करता है बोलता है यार मेरे पास 45,000 है, किया है और क्या आंसर है तुम्हारा? मेरे काफी दोस्त लोग थे जिनको सिर्फ परफॉर्मेंस और वन प्लस जैसा फील चाहिए था, तभी मैंने उनको नथिंग फोन टू रेकमेंड किया, बट जिन्होंने भी वो कैमरा के बारे में पूछा है, मैंने एक्चुअली S21 FE 888 रेकमेंड किया, उनको बोला कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा बट कैमरा बहुत बड़ी है। अच्छा, तो मतलब यू आर सेइंग कि OnePlus 11R और नथिंग फोन 2 अगर दो कि भाई ये लू या ये लू, तो यू विल प्रीफर नथिंग फोन 2? Such a tough question. Yeah, I mean, camera ke liye I would prefer the OnePlus 11, which again is not a great camera system. Uh-huh. But yeah, performance, software, all of that, I prefer the Nothing Phone 2. Nothing Phone 2? Yes. Oh my God. You know, मैंने unboxing में कहा था कि मेरे हिसाब से ये 40,000 रुपए तक होना चाहिए. And although ये full review में इरशाद ने इस्तेमाल करने के बाद अब वो कह रहा है कि हाँ, he might, हाँ, camera के issues हैं, but फिर भी recommend करेगा. मैं अभी भी कहूँ, for a new brand, a brand, मतलब जिसका दूसरा ही phone आया हुआ है, I think वो brand वैल्यू जो है ना वन प्लस का ज्यादा है। मैं अगर हूं, अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं वन प्लस 11R रिकमेंड करूंगा। यू विल प्रोबब्ली ये टेकी है एंड दिस इज काइंड ऑफ यू नो टेकी वाला फोन, तो सबको ये नहीं होगा, बिकॉज सी इफ योर पेरेंट्स आस्क यू दैट शुड आई बाय नथिंग फोन टू, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू रिकमेंड बिकॉज इट इज फ्लैशी, वो जो ग्लिफ लाइटिंग वगैरह वो इट्स जस्ट टू मच आउट देयर मेरे हिसाब से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस हम लोग करते हैं ना, क्योंकि हमारे व्यूज अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं काफी लोग को नथिंग फोन टू रेकमेंड करूंगा, काफी लोग को 11R भी रेकमेंड करूंगा। हां, तो ऐसे, सो देयर इज नो वन परफेक्ट फोन, लोगों को क्या चाहिए उस हिसाब से। नो, देयर इज वन परफेक्ट फोन, यू जस्ट हैव टू स्पेंड डबल फॉर S23 अल्ट्रा। ओह माय गॉड, हम दोनों वही यूज करते हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं दूसरे फोन पे शिफ्ट होता हूं, आई स्टार्ट मिसिंग इट एंड आई गो बैक टू S23। अरे S23 अल्ट्रा का रिव्यू हो गया, ये नथिंग फोन 2 का है। बट या, दैट इज व्हाट नथिंग फोन 2 इज, थोड़े अलग फॉर्मेट में। एक्चुअल जो आप मुझसे पूछे वो मैंने इरशाद से पूछा, क्योंकि एक्चुअल में साजिद और इरशाद ने दोनों ने एक महीने तक रेगुलरली एज अ प्राइमरी ड्राइवर उसे इस्तेमाल किया हुआ है। सो थैंक यू इरशाद, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस रिव्यू से आपको फायदा हुआ होगा एंड यू कैन नाउ मेक अ राइट डिसीजन वेदर टू गो फॉर नथिंग फोन 2 और नॉट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।